हेलो बच्चों, तो अब तक जो अपन इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं उसको रिवाइज करूंगा। चलिए, तो हमने लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट में पढ़ा था बच्चों धारिता। मैंने आपको बताया था कि किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को अपन क्या बोल रहे थे, धारिता बोल रहे थे। मैंने आपको धारिता की एक और परिभाषा बताई थी कि किसी चालक का जो विभव है उसे 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उसे जितना आवेश दिया जा सकता है वो भी उसकी क्या कहला सकती है, धारिता कहला सकती है। एक चीज जो मैं मिस कर गया वो ये थी कि ग्राफ को डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं ये मान सकता हूं कि वो ग्राफ आपको वैसे भी पता चल जाएगा अगर आपको कोई बोले कि आवेश और विभव के मध्य ग्राफ बनाएं। किसके मध्य? किसी चालक हेतु आवेश और दिया गया विभव, इनके मध्य आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए, अपने क्या रिलेशन लिखा था, क्यू समानुपाती लिखा था वी के, लिखा था नहीं लिखा था, यही तो था। फिर बाद में अपन लिख रहे थे क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक। लेकिन रिलेशन तो यही है, संबंध तो यही है। चलिए, तो ये अगर अपन काम कर रहे हैं ऐसा, इस तरफ क्यू ले लीजिए, इस तरफ वी ले लीजिए, तो समानुपाती आपको पता होगा ऐसा जाएगा, ठीक। और इस ग्राफ की प्रवणता समझिए, अब यहां पर एक लाइन में लिख देता हूं कि क्यू वी ग्राफ की प्रवणता। प्रवणता क्या होती है बच्चों? ढलान। मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो समझ गए होंगे, स्लोप है ना, प्रवणता ढलान होती है। ग्राफ की प्रवणता ही चालक की धारिता को प्रदर्शित करती है, चालक की धारिता को प्रदर्शित करती है। चलो प्रूव कर लेते हैं कि यही होता है क्या, देखते हैं भाई। प्रवणता मतलब ढलान देखनी है, तो y अक्ष में किसका भाग लगाओ, x अक्ष का, dy अपॉन dx ही m होता है क्या? स्ट्रेट लाइन के लिए जो आप कर्व डिफाइन करते हो, y इज इक्वल टू क्या, mx प्लस c, उसमें m कैसे निकालते थे अपन, m इज इक्वल टू क्या होता है, dy डिवाइडेड बाय dx, ऐसे ही होता था। तो यहाँ पर dy देखो चार्ज के लिए आ रहा है, आवेश के लिए, और dx देखोगे तो किसके लिए, v के लिए आएगा, तो q डिवाइडेड बाय v, यही तो प्रवणता है। और q बटा v अगर आपको पता हो क्या होगी, चालक की धारिता होगी, तो ये किसके बराबर, धारिता के बराबर, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्यूवी ग्राफ की प्रवणता ही क्या है, चालक की धारिता है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ। ये देखो, ऐसे अपन बोलेंगे कि फेरेड किसका मात्रक है, सभी को पता है दुनिया में फेरेड किसका मात्रक है, किसका, धारिता का, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि कूलाम प्रति वोल्ट किसका मात्रक है, कूलाम प्रति वोल्ट किसका मात्रक है, तो फिर आपको इनकी जगह क्वांटिटी लिखो, कूलाम मतलब चार्ज और वोल्ट मतलब वोल्टेज, क्यू बटा वी, तो ये धारिता, ऐसा। तो इस तरीके के सवाल पूछे जा चुके हैं बच्चों एग्जाम के अंदर, आप देखोगे आपको पता चलेगा। विभव के लिए पूछा जा चुका है, क्या भाई विभव के लिए क्या लिखा था, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू लिखा हुआ है ना। और एग्जाम में क्या आया हुआ सवाल है, ये बोर्ड का सवाल मैं आपको बता रहा हूं, पूछा गया था कि जूल प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है, जूल प्रति कूलाम किसका, विभव अथवा विभवांतर का, ठीक है, किस भौतिक राशि का, विभव अथवा विभवांतर का। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इन फॉर्मूला से भी जो मात्रक बनता है ना उनसे भी सवाल पूछ लेता है बोर्ड, ठीक है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ गई होगी, धारिता क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब धारिता के अंदर अब हम बात कर रहे हैं किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता, हेडिंग डाल लीजिए आप सभी, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता, उसकी धारिता का सूत्र क्या होगा। आ विलगित गोली और चालक की बात कर रहे हैं ना, चालक की धारिता। देखिए, किसी विलगित गोली चालक की धारिता कैसे पढ़ेंगे, तो पहले तो इसकी हेडिंग समझ लीजिएगा कि कैसे इंग्लिश में लिखेंगे। तो विलगित को बोलेंगे बच्चों आइसोलेटेड, और धारिता कैपेसिटेंस होता है, तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर। देखिए, धारिता का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है किसी भी चालक के लिए, वो क्यू डिवाइडेड बाय वी होता है, ठीक है, ये सभी को पता है, अब तक हमें पता चल गया है। फिर हम बोलेंगे कि हम जानते हैं, अबे क्या जानते हो, तुम तो बहुत कुछ जानते हो, लेकिन अभी जो जानना है वो समझो, ठीक
ठीक है, मेरे को पता है बहुत कुछ जानते हो। तो अपन ने क्या बोल देना है कि सर हमें पता है कि विभव क्या होता है, चालक की सतह पर विभव हमें पता है ना। हमने लिखा चालक की सतह पर विभव, चालक की सतह पर विभव, और हम ये मान करके चल रहे हैं कि उस चालक को क्यू आवेश दिया गया था और उसकी त्रिज्या कैपिटल आर थी। ठीक, तो फिर उसका विभव कितना होगा? तो हमने लिखा के कैपिटल क्यू आवेश दिया गया था और उसका त्रिज्या आर है। ठीक, तो ये समीकरण नंबर एक, ये समीकरण नंबर दो, बताओ भाई मान रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं? रख सकते हैं ना। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय के क्यू डिवाइडेड बाय आर। क्यू से क्यू तो कैंसिल हो गया, समझ में आ गया। ये डेरिवेशन वाला पार्ट तो आप सभी को हमेशा मजे आते होंगे ये काम करने में। ठीक है, तो आर तो ऊपर चला गया, नीचे क्या रह गया, के को क्या लिखते हैं, निर्वात के लिए के को लिखा जाता है। आप समझिए इस चीज को, निर्वात हेतु मैं इसे लिख रहा हूं सी नॉट। ठीक है, इस चीज को मैं लिख रहा हूं सी नॉट, आर ऐसा का ऐसा, और के को निर्वात में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ऊपर ले जाओ। तो सी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। बताओ भाई हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक, आप गौर करो किसी गोलीय चालक की जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या के क्या है, समानुपाती है, लेकिन ये किसमें है, निर्वात के अंदर है। चलिए, तो ये निर्वात में धारिता का सूत्र दिमाग में रह जाना चाहिए, कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर दिमाग में रहेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखो, के बराबर क्या होता है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। डन है ये? चलिए अब आगे माध्यम की बात करते हैं अपन। माध्यम में क्या होगा, सी नॉट देखो, सॉरी माध्यम में तो सी एम लिखेंगे अपन। और ये क्या होगा वो देखो, वहां पर आर ऐसा का ऐसा, के की जगह क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ में क्या आएगा माध्यम में, एप्सिलॉन आर भी तो आएगा। चलिए लेकर के जाओ, क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर। गौर करो थोड़ा सा चेंज है, एप्सिलॉन आर गुणा हो रहा है किससे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर से। ये निर्वात की धारिता थी क्या, और उससे कौन गुणा हो रहा है, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक। ठीक है, चलिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एप्सिलॉन आर किससे गुणा हो रहा है, सी नॉट से, निर्वात की धारिता से कौन गुणा हो रहा है, माध्यम का परावैद्युतांक। बताओ भाई माध्यम भरने पर सॉरी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर है धारिता एप्सिलॉन आर गुना या माध्यम के परावैद्युतांक के गुना बढ़ जाती है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, इस चीज को सदैव ध्यान रख लीजिएगा कि माध्यम के कारण हमेशा धारिता बढ़ेगी, ऐसा कोई केस नहीं पड़ोगे जिसमें माध्यम के कारण धारिता घटेगी। तो माध्यम बनने पर या आसपास में माध्यम होने पर धारिता सदैव बढ़ती है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे अपन। ठीक है, चलिए, किसी भी गोलीय चालक के लिए धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना। इसका मतलब जो मैंने आपको बोला था आकार एवं आकृति, आकार का मतलब क्षेत्रफल हो चुका है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी गोलीय चालक की बात की जाए और उसकी धारिता और त्रिज्या के बीच में ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ भी कैसा होगा, ऐसा समानुपाती का। जैसे जैसे आप गोलीय चालक की त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी धारिता बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आई? ओके, तो दो चीजें दिमाग में रखनी है, फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है गोलीय चालक के लिए, दूसरा माध्यम के कारण कितना होता है एप्सिलॉन आर से, माध्यम के परावैद्युतांक से उसे गुणा कर दीजिएगा। तो यहां से एप्सिलॉन आर का भी तो फॉर्मूला बन सकता है बच्चों, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा, फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या, माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता, इन दोनों का जो अनुपात है वह भी माध्यम के परावैद्युतांक के तुल्य होता है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए तो इतना डन है अपने लिए। अब यहां पर अपन काम करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ सवाल हैं जो आपकी किताब में है। एक सवाल तो बहुत ही प्यारा है, इस डेटा को हमेशा संभाल के रखिएगा, जो अपन फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ना वो ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा की तरह क्वेश्चन साइड में दिख जाएंगे। पहला उदाहरण देखिए, मैं आपको उदाहरण ही समझा रहा हूं। ऑलराइट, पहला उदाहरण, पृथ्वी को एक
गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। हमें क्या करना है, पृथ्वी की धारिता की गणना करनी है। यदि पृथ्वी को चालक मान लिया जाए तो, गोलीय चालक मान लिया जाए तो, उसके लिए डेटा दिया हुआ है आपको, आर की वैल्यू पृथ्वी के लिए बोल रखी है कि कितनी यूज करनी है, कितनी यूज करनी है, 6.4 × 10⁶। वैसे भी हमें पता है 6,400 किलोमीटर होती है, तो उदाहरण संख्या एक अपन कर रहे हैं उसके लिए हमें आर की वैल्यू दी हुई है कितनी, 6.4 × 10⁶ मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, 6,400 किलोमीटर भी यही होता है बच्चों। तो गोलीय चालक होने के कारण गोलीय चालक की धारिता होती है, तो सी नॉट लिख लो निर्वात में, याद कर रहे हैं अपन तो 4π ε₀ r, यही तो लिखा था अपन ने, याद आ रहा है। और इसे और क्या लिख सकते हैं, r डिवाइडेड बाय, कैलकुलेशन को सिंपल कर देता हूँ, 4π ε₀ को क्या लिख सकता है, 1/k लिख सकते हैं, है ना। इस चीज को वापस से समझो, मैं ये चीज बार बार बता रहा हूँ बच्चों, k इज इक्वल टू निर्वात में 4π ε₀, 1/4π ε₀, तो 4π ε₀ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उठा करके इधर पटको, इसको उठा करके इधर पटको, ऐसा होगा नहीं होगा, तो मैंने वही किया है, इसकी जगह 1/k उतार दिया है, ठीक है। अब इससे कैलकुलेशन इजी होगी ना बच्चों, आर की वैल्यू कितनी, 6,400 बोल रहा है ना वो, चलो जो वैल्यू बोल रही है वही उतार देते हैं, और उसमें के का मान कितना, 9 × 10⁻¹, ये तो था, चलिए लगाओ भाई, 10⁻³ बैठ जाएगा क्या, तो 6.4 और यहाँ पर 9 × 10³। चलो सॉल्व करो, इसका पॉइंट हटाऊं तो मैं यहाँ पर 10⁻⁴ कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। चलिए 9 का भाग लगाओ, 9 × 9 = 63, ठीक, ये 7 × 9 = 63, 7 आ गया। चलिए तो बच गया कितना, 1 बच गया, पॉइंट लगाओ तो 1 का 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 9 × 9, वापस से 1 बचा, 9 × 9, ये तो एक की लाइन सीरीज चलती ही जाएगी, ठीक, × 10³ कितना, −4। चलिए तो ये क्या है, धारिता है, सॉरी ये ध्यान में रखिए। चलिए अब इसे हम याद करने लायक फैक्ट में डाल देते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 711, ये पॉइंट दो संख्या के बाद में है ना, तो यहाँ पे 10⁻⁶ कर सकते हो, 2 बटा 2 नेगेटिव के अंदर, ठीक, इसको माइक्रो बोलते हैं क्या, तो देखो 711 माइक्रो फैरेड। अब सोचो इस चीज को, मैं जो आपको बोल रहा था कि धारिता का जो मात्रक है फैरेड वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका अनुमान इस डेटा से ही लगाया जा सकता है कि पृथ्वी जितना बड़ा अगर कोई चालक लोगे ना, सोचो अपने पृथ्वी कितनी बड़ी है, उतना बड़ा अगर कोई गोलीय चालक होगा उसकी धारिता भी माइक्रो फैरेड में है बच्चों, उसकी भी फैरेड में नहीं आ रही है, 1 फैरेड नहीं हो रही है, ठीक है, तो मतलब 1 फैरेड करने के लिए पता नहीं क्या चीज बनानी पड़ेगी, ठीक, तो 711 माइक्रो फैरेड पृथ्वी की धारिता होती अगर कोई चालक इतना बड़ा होता, तो ये प्रदर्शित करता है कि 1 फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, बात समझ में आ गई, तो ये डेटा ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, 711 माइक्रो फैरड, डन, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है वो, 1 फैरड धारिता, दूसरा एग्जाम्पल है, 1 फैरड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, क्या आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। ऑलराइट, क्या बोल रहा है, 1 फैरड धारिता का गोलीय चालक और उसकी त्रिज्या चाहिए। चलिए तो पहले से जो डेटा दिया हुआ है, क्या भाई, धारिता सी की वैल्यू है 1 फैरड और इसके लिए त्रिज्या पूछ रहा है ना वो, तो हमने बोला कि किसी गोलीय चालक के लिए फॉर्मूला होता है 4π ε₀ × r, ठीक है, तो फिर हमें r चाहिए, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय 4π ε₀, 4π 1/4π ε₀ है ना, क्या लिखते हैं के, तो हमने लिखा k × c, के का मान कितना, 9 × 10⁹, सी का मान जितना वो बोल रहा है 1, 9 × 10⁹ मीटर त्रिज्या चाहिए, सोचो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, 6.4 × 10⁶ मीटर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इतनी त्रिज्या का क्या चाहिए, गोला चाहिए, तो इन दोनों में अगर 10⁻³ का भी देखोगे तो 1000 का अंतर आ गया, और यहाँ से भाग लगा करके देखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग और देख लो, 1300 के आसपास, 1200 के आसपास का फैक्ट जा रहा है। तो आप ये सोचो कि 1 फैरड धारिता का गोले के लिए उस गोले की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 9 × 10⁹ मीटर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा,
आपके पास में ऐसी अलमारी है तो रख लेना, मेरे पास में तो नहीं है बच्चों, ठीक है। मेरे हिसाब से ऐसी अलमारी भी बना भी नहीं सकता जो कि पृथ्वी से ज्यादा बड़ी हो। बात समझ में आ गई? तो हम बोलेंगे कि यह त्रिज्या बहुत ज्यादा है, पृथ्वी की त्रिज्या से भी बहुत ज्यादा है, और ऐसी अलमारी बनाना संभव नहीं है जिसमें इस त्रिज्या के गोले को रखा जा सके। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब कभी मन दब जाए करने की कोशिश कर तो कर लेना, वैसे लग तो नहीं रहा कि बना पाओगे हैं, और तो साइंस का क्या भरोसा, रोज आना चेंज हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल इस तरीके का सवाल बोर्ड में पूछा जा सकता है, आरबीएससी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपको 56 नंबर के पेपर में से 10 नंबर के भी न्यूमेरिकल देते हैं ना, तो उन 10 नंबर के न्यूमेरिकल में से दो, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का न्यूमेरिकल ही थोड़ा बहुत घुमा हुआ हो सकता है। बच्चे भी जो 6 नंबर के न्यूमेरिकल हैं वो बहुत सीधे सटीक होते हैं, ठीक है। चलिए, तो न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, वो वाकई में आपके नॉलेज को पढ़ते हैं। तो ओके, उदाहरण संख्या 4.3, यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता, गोलीय चालक की वायु में धारिता, स्पष्ट कर रहा है वायु में धारिता, तो इसका मतलब कोई और डेटा भी देगा, कितनी बोल रहा है, 2 माइक्रोफेरेड, और वायु अर्थात निर्वात लेकर के काम कर सकता हूं मैं। ओके, माइक्रो नहीं है बच्चों, पीको है, पीको फेरेड, पीको मतलब 10^-12 है ना, तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता हो जाती है 12 पीको फेरेड। माध्यम में रखने पर वैसे भी धारिता पड़ती है, सभी को पता है 12 पीको फेरेड। अब वो बोल रहा है कि माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करो। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला, क्या भाई, माध्यम में धारिता डिवाइडेड बाय निर्वात में धारिता। माध्यम में धारिता कितनी, 12 पीको फेरेड, पीको को 10^-12 लिख लो ये आपके नॉलेज के लिए, और ये होगा 2×10^-12, कितना आने वाला है, 6। हाँ, एप्सिलॉन आर का मात्रक बताओ जल्दी से मेरे को, क्या होगा एप्सिलॉन आर का मात्रक, लिख मत देना कुछ पता चले सर ने बोला मात्रक लिखो तो लगा दिया न्यूटन मीटर, कोई मात्रक नहीं होता, धारिता के मात्रक से धारिता का मात्रक कट गया है, ठीक है, मात्रकहीन राशि, ये बात ध्यान रखें। चलिए अगला और लास्ट, दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के, अलग अलग त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर इनके पृष्ठों पर विभव का अनुपात 1:2, दो अलग अलग चालक है, ये बात ध्यान रखना, एक ही चालक की बात नहीं कर रहा हो। तो दो भिन्न भिन्न चालक, हमने माना कि एक की त्रिज्या R1 और दूसरे की त्रिज्या है R2, आपकी सुविधा के लिए, लेकिन दोनों को समान आवेश से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है, करने पर उनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात, इसके पृष्ठ पर विभव V1 मान लीजिए, इसके पृष्ठ पर विभव V2 मान लीजिए, तो विभवों का अनुपात V1/V2 कितना बोल रहा है, वो 1/2 बोल रहा है, ऐसा, ठीक है भाई। तो उनकी धारिताओं का अनुपात कितना होगा, अब आपको क्या ज्ञात करना है, धारिताओं का अनुपात C1/C2 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो सिंपल सा था बच्चों, ज्यादा टिपिकल नहीं है। धारिता क्या होती है, Q/V होती है, फॉर्मूला पता है, तो हमने बोला C1/C2 निकालना है, बराबर में क्या होता है Q/V, और इसके लिए भी मैं लिख देता हूँ Q/V, ऐसे लिखूं C1 के लिए C2 के लिए, इसके लिए Q1 और इसका विभव V1, इसके लिए Q2 और इसका विभव V2। चलिए पहले के लिए काम करते हैं, पहले को आवेश कितना दिया हुआ है Q, पहले का विभव कितना है V1, ठीक है बात। दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरे का आवेश Q2, दूसरे का आवेश Q2 कितना है Q, विभव कितना है V2 ही है, चलो डन। क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल, V2 कहाँ जाएगा ऊपर, V1 कहाँ जाएगा नीचे, गौर करो V2/V1 यहाँ पर हमें V1/V2 दिया हुआ है, तो V2/V1 कितना होगा बच्चों, उल्टा करेंगे नहीं करेंगे, कितना 2/1, इसका मतलब ये आएगा धारिताओं का अनुपात विभवों के अनुपात का व्युत्क्रम होना चाहिए, ये तो होगा 2/1 आएगा, पता चल गया होगा। चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही था, मेरे हिसाब से आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो समझ में आ गए होंगे। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियोस को लाइक और शेयर करते चलो। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।